दोस्तों, हमास के इसराइल पर अटैक के बाद फिलिस्तीन में दूसरे पॉलिटिकल फैक्शंस भी न्यूज में हैं। तो चलिए जानते हैं। फतह, पहला फैक्शन है फतह, जिसकी स्थापना यसीर अराफात द्वारा 1957 में कुवैत में की गई, और इसका एम इसराइल के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू फिलिस्तीन को फ्रीडम दिलाना था, और आज इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बैंक में लोकेटेड है। लेकिन 1964 में अरब लीग समिट में फतह और दूसरी छोटी फिलिस्तीनियन पार्टीज ने PLO यानी कि फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, और 1980s में PLO को यूनाइटेड नेशंस ने सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिलिस्तीनियन पीपल माना। 1988 में फतह लेड PLO ने टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज करते हुए इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, और 1990s में आर्म स्ट्रगल को छोड़ते हुए फतह लेड PLO ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किए, जिसके बाद फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी कि PA की नींव रखी गई, जो वेस्ट बैंक और गाजा दोनों को एडमिनिस्टर करती थी। लेकिन फतह की इसराइल की रिकॉग्निशन के विरोध में हमास की स्थापना 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड से स्प्लिट होने के बाद हुई। इस मिलिटेंट ग्रुप ने 2007 में फतह लेड फिलिस्तीनियन अथॉरिटी से इलेक्शन जीतकर गाजा स्ट्रिप पर अपना वर्चस्व कायम किया।